कोरोना को शत प्रतिशत मात दे रहा आयुर्वेद का एम्स, देखें जीके न्यूज की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के यूट्यूब चैनल सीके न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से राजधानी के अस्पतालों से अक्सर संक्रमितों की मौत की बुरी खबर सुनने को मिल रही है। दिल्ली में मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि आयुर्वेद का एम्स कहे जाने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIMAI कोरोना के सभी मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। अब तक एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। AIIA की निर्देशक तनुजा मनोज नेसरी के मुताबिक इस संस्थान में अब तक 275 कोरोना मरीजों का उपचार किया गया है। सभी मरीज आयुर्वेद व योग से ठीक होकर घर लौटे हैं। अस्पताल में कोरोना का एक ही वार्ड है जिसमें 50 बेड हैं। इन दिनों 50 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि वैसे कम लोग ही आयुर्वेद से उपचार कराना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि इस पद्धति से कोरोना ठीक नहीं हो सकेगा, लेकिन यह सोच गलत है। आयुर्वेद से कोरोना का उपचार संभव है। यहाँ आने वाले मरीज को पहले दिन से ही नियमित रूप से काढ़ा दिया जाता है जो दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी और मुनक्का से तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आयुर्वेद की औषधि दी जाती है जिसमें आयुष 64, सुदर्शन वटी, गिलोय की वटी समेत अन्य औषधियां शामिल है। मरीजों को रात के समय हल्दी वाला दूध दिया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। सुबह और शाम योग कराया जाता है जिसमें अनुलोम विलोम, कपाल भाती व सूर्य नमस्कार आदि शामिल है। मरीजों को 8 घंटे की नींद लेने को कहा जाता है। दिन में 1 से 2 घंटे संगीत भी सुनाया जाता है जो उनके जल्द ठीक होने में मदद करता है। मरीजों को सुबह और शाम गर्म पानी का गरारा कराया जाता है जो गले में जमे संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है। मरीजों को खुश रखने के लिए उनके बीच घरेलू खेल कराए जाते हैं जिससे उनका मानसिक तनाव दूर रहता है। इस तरह 2 से 3 सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो जाता है। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सीके न्यूज। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।